जिससे आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की, और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अध्यक्षता में G20 की दो महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में होगी शुरू। मुंबई विकास कार्य समूह की बैठक ही करेगा मेजबानी, जबकि बेंगलुरु वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक करेगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरविंदो की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री श्री अरविंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर होगी चर्चा। लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने का प्रस्ताव करेंगे पेश। वहीं राज्यसभा में भी कई अहम विधेयक को पारित कराने के लिए किया जाएगा पेश। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर किया था हमला। हमले में 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की दी थी आहुति। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। और आइए आज के एजेंडे की अब शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले खबरें देखते हैं G20 के आयोजन से जुड़ी हुई। भारत की अध्यक्षता में G20 की दो महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू होगी। मुंबई विकास कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि बेंगलुरु वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करेगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान विकास कार्य समूह की पहली बैठक आज मुंबई में होगी। इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए मुंबई पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की 3 दिन की बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू होगी। 3 दिन की बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय मामलों पर चर्चा पर जोर रहेगा। इसके तहत 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, भविष्य के लिए शहरों को आर्थिक सहायता देने, वैश्विक ऋण संबंधी मामलों के प्रबंधन, वित्तीय समावेश और उत्पादकता संबंधी लाभ तथा जलवायु संबंधी कार्यों के लिए वित्त मुहैया कराने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की दिशा निर्धारित करना शामिल है। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, आपसे पहले भी बात हो रही थी, और ऐसे में अब आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज इकोनॉमिकल जब फैक्टर्स की हम बात करते हैं, आज उन पर खास तरह का फोकस रहने वाला है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए दिशा और दशा दोनों तय करेगा। क्या तैयारी? बिल्कुल सही कहा आपने। अब केवल 15 मिनट बचा है जब ये फॉर्मल मीटिंग की शुरुआत होगी 9:55 पे। ये कन्वेंशन सेंटर जहां पर इस वक्त मैं हूं, यहां पर अंदर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जितने भी सेंट्रल बैंक के डेप्यूटी हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के डेप्यूटी हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इनफॉर्मल ब्रेकफास्ट मीटिंग हो चुकी है, और अब तैयारी की जा रही है कि कैसे इसको किक स्टार्ट करने की कोशिश की जाए। जैसा कि आपने बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पहले सेशन में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस लिहाज से कैसे डेवलपिंग नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मुहैया कराया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हुए अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में रिफॉर्म्स कैसे किए जाए, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़ी एजेंसियों का रिफॉर्म किया जाना है, जिसमें डेवलपिंग नेशंस की आवाज़ बन करके भारत उभरा है, उसको कैसे फोकस में रखा जाए। और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल फाइनेंस है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनको ग्रीन टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, उनके लिए फाइनेंस कैसे इकट्ठा किया जाए। तो एक तरह से जो शेरपा बैठक हुई आपने देखा उदयपुर में, उसमें 13 वर्किंग ग्रुप में जो एजेंडा तय किया गया है
अगर हम समझने की कोशिश करें तो फाइनेंस ट्रैक उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और उसके मुश्किलें जो आ रही हैं फंड जुटाने में, उसको कैसे सीमलेसली सॉल्व करने की कोशिश की जाए, उसकी कोशिश करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अजय, इसमें एक और बात अगर हम जोड़ें कि आर्थिक सहायता जो देने की बात निकलकर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा बीते कुछ समय से कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम श्रीलंका को देख लें, हम अफगानिस्तान को देख लें, वहां पर तमाम चुनौतियां नजर आई थी। ऐसे में वैश्विक स्तर पर जिस तरह की स्थितियां हैं, तो उसमें आर्थिक नीतियां जो हैं, क्या इन देशों के लिए भी प्रभावी कारगर साबित होंगी अगर हम देखें तो इस पूरी बैठक को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। देखिए, G20 की जो बैठक होती है, चाहे वो पहले एशियन क्राइसिस हो या फिर जो दूसरे संकट हो, उसमें अपना अहम रोल निभा चुकी है। जो बासल 3 नॉर्म्स बैंकिंग सिस्टम से कहे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सुरक्षा के लिहाज से, वो भी G20 से ही निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि G20 ने समाधान नहीं दिए हैं, पहले भी वित्तीय क्षेत्र में कई समाधान दिए हैं जिसका जिक्र आपने किया। न केवल श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश, बल्कि 70 देश ऐसे हैं जिन पर सीरियस डेट क्राइसिस है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसका जरूर हल निकाला जाए, लेकिन भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल पब्लिक गुड पे इतना नाम कमा चुके हैं, फिनटेक इंडस्ट्री का इतना बड़ा रेवोल्यूशन कर चुके हैं, उसकी सक्सेस कहानी को कैसे हम आगे बढ़ा करके ले जाएं, कैसे माइस टूरिज्म में, कैसे लेजर टूरिज्म में, जिसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत ही कम है, केवल 2.5% है। माइस टूरिज्म आप देखें जिसमें कन्वेंशन होते हैं, केवल 1% हमारी हिस्सेदारी है, कैसे उसमें भारत अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकता है, उस पर कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर है वो भी एक बड़ा फोकस होने जा रहा है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सागर और भानुमति, वो शायद यहाँ के रॉक स्टार होने जा रहे हैं, क्योंकि सारे डेलीगेट्स यहाँ पर मैसूर और कर्नाटक के जो सॉफ्ट पावर है उसका भी आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी इम्पॉर्टेंट पूरा ये सेशन होने वाला है, ऐसे में आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुडुचेरी में कंबन कलाई संगम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें देशभर से श्री अरबिंदो के अनुयायी शामिल होंगे। बता दें कि श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया था। और हमारे सहयोगी सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, गुड मॉर्निंग, और ऐसे में क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं उनके विचारों को आज मंच मिलेगा और साफ तौर पर प्रधानमंत्री एक मूल मंत्र भी देते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर गौरव, हम जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और न सिर्फ इस दौरान, बीते 75 वर्षों में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो कोशिशें रही हैं, इसमें जो लोगों का योगदान रहा है, उसकी चर्चा, उसके बारे में बातचीत, बल्कि साथ ही साथ वो तमाम लोग जिन्होंने सैकड़ों वर्षों में भारत के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, खासतौर से जो अनसंग हीरोज हैं उनको आगे लाने की कोशिश। हमने देखा बीते 8 वर्षों में, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, इन तमाम लोगों को जो एक तरह से जगह हासिल नहीं हुई थी, उस जगह को उस तरह से प्रतिष्ठित किया पीएम मोदी ने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए। तो आज हम जानते हैं कि अरविंद घोष की जब बात आती है तो ना सिर्फ 15 अगस्त को, क्योंकि उनका जन्मदिन होता है, उस दिन प्रधानमंत्री उनकी चर्चा करते हैं, बल्कि लगातार देश में जो उनकी नीतियों में भी, पीएम मोदी की नीतियों में, मोदी की सरकार की नीतियों में भी अरविंद घोष के विचारों की झलक मिलती है। मन की बात के कार्यक्रम के दौरान, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो, उस तमाम चीजों में प्रधानमंत्री लगातार अरविंद घोष का जिक्र करते रहते हैं। तो जरूर आज ये बड़ा मौका है, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और 150वीं जयंती पूरा देश वो एक तरह से वर्ष मना रहा है अरविंद घोष के। उस मौके पर पीएम मोदी, निश्चित तौर पर आपने जानकारी दी कि डाक टिकट जारी करेंगे, स्मारक डाक टिकट, स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर किस तरह से देश आज उनके विचारों से प्रेरणा ले सकता है उसकी बात भी रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में आज काफी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और डाक टिकट भी जारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और संसद की बात करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में होने वाली कार्यवाही पर बात करते हैं अपने संवाददाता
ऋषि से। ऋषि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विधायी जो कार्य है वो आज सुचारू रूप से चलाए जाएंगे, क्या महत्वपूर्ण होने वाला है और किन अहम विधेयकों पर आज चर्चा होने के आसार है? देखिए, जहाँ तक संसद के शीतकालीन सत्र के आज के एजेंडे की बात करें तो आज के एजेंडे में बेहद महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं, खासतौर से अगर हम दो विधेयकों की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में ये सूचीबद्ध किए गए हैं और इनको पास भी किया जाना है जी। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थता केंद्र से संबंधित जो कानून है वो बेहद महत्वपूर्ण कानून है और इस संशोधन के माध्यम से सरकार जिस तरीके से भारत में जो कानून से संबंधित जो तमाम पेचीदगियाँ हैं उसको सुलझाने से संबंधित जो पूरा मसौदा है उसको सरकार इस संशोधन के माध्यम से उसका समाधान करेगी। साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक है जिसमें कि एंटी मैरीटाइम पायरेसी से संबंधित जो विधेयक है जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून की कमी देखी जाती थी अब तक, वो इसके माध्यम से खासतौर से समुद्री लुटेरों और उनसे संबंधित जो दुश्वारियाँ होती थी कानून के दायरे में उनको लाए जाने को लेकर, उससे संबंधित जो विधेयक है बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है, उस पर चर्चा होगी, उसे पारित किया जाएगा। इसके अलावा दो संविधान संशोधन विधेयक भी हैं जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में क्रमबद्ध हैं, जिसमें कि लोकसभा में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो सूची है उसमें संशोधन है, तो वहीं दूसरा राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है जिसमें कि अनुसूचित जाति की जाति को एक उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से संबंधित ये संविधान संशोधन विधेयक है। इस तरीके के चार संविधान संशोधन विधेयक हैं जो कि इस सत्र में पारित होने हैं, उसी से संबंधित ये दो विधेयक हैं जो कि क्रमबद्ध तरीके से राज्यसभा लोकसभा से पारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों ने आज खासतौर से अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हुए हैं। देखना होगा कि क्या वो नियमानुरूप हैं, क्योंकि अभी तक सभापति ने इन सभी नोटिसेस को इस बात को लेकर खारिज किया है, उन्होंने कहा कि इनकी ज़रूरत और उनके लिए जो ज़रूरी जो नियम है उसका जब तक पालन नहीं किया जाएगा उनको उस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें शून्यकाल के दौरान सदस्यों को अधिकार होगा कि वो अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। तो उसी में भारत चीन सीमा पर जो संबंधित जो परिस्थिति है उससे संबंधित कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस सूचीबद्ध है और इस नोटिस को लेकर सभापति को निर्णय लेना है कि वो इस पर क्या फैसला करते हैं। वही लोकसभा में भी इस तरीके के नोटिस अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर क्या सदन में क्या कोई गहमा गहमी होती है, लेकिन जिस तरीके से अब तक सदन चल रहा है दोनों ही सदनों में जो भी गतिरोध होता है उसको बहुत ही आसानी से और कम समय में सुलझा लिया जाता है और चेयर की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि सभी को पर्याप्त समय मिले और बोलने का अवसर मिले। जब बोलने का अवसर मिल जाता है तो जो समाधान है, सोमवार को भी जो विधायी कामकाज थे वो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े, उन पे चर्चाओं का दौर भी आगे बढ़ा, ऐसे में उनके निपटान को लेकर जो बातें हैं क्या आज उसी की शुरुआत होगी संसद में, जो कल काम पेंडिंग बचे हुए थे वहीं से आज की शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो अगर कोई बिल कल सदन में लाया गया और उस पर चर्चा अधूरी है या चर्चा पूरी हो चुकी है तो उसमें संबंधित मंत्रालय की तरफ से जवाब आता है और उसमें उस सदन में उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है, और इसके अलावा जो नए विधायी कार्य होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि सदन का जो टेबल हो जाते हैं प्रोसेस में उनको सबसे पहले निपटाया जाता है और उसके बाद दूसरे जो नए कामकाज होते हैं जो सूचीबद्ध किए जाते हैं उनको निपटाया जाता है। बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल ही रहा है, ऐसे में विपक्ष की भूमिका जो है, विपक्ष क्या सरकार को किस मसले पर किन मुद्दों पर घेरती हुई नजर आ सकती है और किन बिंदुओं पर अगर हम कहें तो जो विधेयक आ रहे हैं उन पर सहमति बनती बिगड़ती आपको नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक विधेयकों की बात करें तो इस समय जो परिस्थितियाँ हैं और विपक्ष के साथ जो सामंजस्य है और विपक्षी इस बात को समझ रहा है, एक तो संख्या बल, दूसरा सरकार की तरफ से किसी भी विधेयक को लेकर अब तक जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके चलते विपक्ष मूलतः अपने संशोधन उस तरीके से नहीं रख पा रहा है और रखने की कोशिश भी है तो सरकार उसका समाधान भी करती है जी। तो इस वजह से जो गतिरोध है वो विधेयकों को लेकर तो नहीं है, लेकिन जो समसामयिक मुद्दे होते हैं कई बार उनको लेकर गतिरोध देखने को मिलता है, लेकिन जब सभापति की तरफ से बोलने का अवसर मिल जाता है और संबंधित मंत्रालय का जवाब आ जाता है तो इसलिए वो गतिरोध भी
उतनी देर तक अभी तक टिकता हुआ नहीं दिखता है। देखना है कि आज स्थिति क्या बनती है, क्योंकि आज की परिस्थितियां अलग है, कल की अलग थी, तो जो सदन की जो परिस्थिति होती है तत्काल परिस्थितियों के आधार पर आगे बढ़ती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, पार्लियामेंट में जब गतिविधियां शुरू होंगी तो हम आपका फिर से रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। राष्ट्र आज वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री सहित राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के तमाम नेता हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। और आइए अब आपको बता दें कि G20 की जो बैठक चल रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे में आज क्या खास होने वाला है, हमारे सहयोगी अमृतपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल का रुख करते हैं सीधे मुंबई से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसी बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। अमृतपाल, जैसा कि हमने आपसे पहले भी बात की थी और ऐसे में तैयारियां तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है, लेकिन ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा रखी जाएगी, क्योंकि बैठक में तमाम निर्णय यहां से लिए जाने हैं। देखिए, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप एक वर्क स्ट्रीम है शेरपा ट्रैक के अंडर। G20 में होता क्या है कि जो नेगोशिएशंस में दो ट्रैक्स होते हैं, एक शेरपा ट्रैक, एक फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक की आज पहली मीटिंग डेप्यूटी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और डेप्यूटी फाइनेंस हेड्स बेंगलुरु में मिल रहे हैं, जहाँ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा हैं। मैं यहाँ मुंबई पे हूँ, जहाँ ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप जो शेरपा ट्रैक के अंडर आता है। असेंशली इस ट्रैक में, इस डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप में SDGs जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको उनकी प्राप्ति में कैसे तेजी लाई जाए और एक कलेक्टिव एक्शन कैसे लिया जाए G20 देशों के बीच और जो और इनवाइटी कंट्रीज हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि SDGs सब मानते हैं कि SDGs अटेन करने चाहिए, पर उसका राह क्या होना चाहिए वहाँ डिफरेंसेस हैं, कौन कितना अचीव करेगा। आप जानते हैं क्लाइमेट नेगोशिएशंस का बेसिक, सब मानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में जो लिखा है वो अचीव करना है, पर सवाल ये है कि कैसे वो अचीव किया जाए। क्या वो एमिशंस कम करने के लिए तैयार हैं, क्या क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए तैयार हैं, ये सब मुद्दे हैं। तो इस डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप में कि आप डेवलपमेंट रखेंगे, कलेक्टिव एक्शन क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा G20 का, और सेकेंडली इसको जो डेवलपमेंट की जो आपकी गोल्स हैं वो सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो और रेजिलिएंट हो, आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल होनी पड़ेगी। तो इसलिए उसको वीविन करना SDGs को क्लाइमेट के आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर और ग्रीन ग्रोथ में वीविन करना, उस पर मेन फोकस रहेगा। बिल्कुल अमृतपाल, इस इवेंट पर सबकी नजरें हैं, आप भी नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ आज के एजेंडे में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।